नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। इस दौरान पहले भारत ने सोमवार को कहा था कि वह यूक्रेन में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेल्सकी से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत हमेशा से ही यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में चल रहा संघर्ष भी इन चर्चाओं का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड जाएंगे। ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। लाल ने बताया कि ये दौरा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला मौका है जब 30 से अधिक वर्षों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। जब से भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं, इस यात्रा के दौरान हाल के उच्च स्तरीय संपर्कों को और मजबूत किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, 23 अगस्त को कीव का दौरा, और देखिए कितने सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ इस दौरे के मायने और किस तरीके के संबंध इस बार स्थापित होने वाले हैं, फिलहाल जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर रहेंगे और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात है। यह प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस समय जो हालात बने हुए हैं यूक्रेन और रशिया के जो संघर्ष की बात, जो युद्ध चल रहा है, उसको कैसे लेकर के कहा जा सकता है पूर्ण विराम लगाया जाए, इसमें प्रधानमंत्री एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री का रूस दौरा हुआ था और वहां के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की रूस के राष्ट्रपति से और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह यात्रा बहुत ठीक रहा, भारत और रूस के संबंधों को और मजबूती मिली, लेकिन इसके पीछे भी तमाम कहानियां हैं और यही माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट मैसेज दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जो यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको पूर्ण विराम देने में प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका हो सकती है, और यही वजह की प्रधानमंत्री देखिए 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर आएंगे और वहां पर जो है जेलेंस्की से जो मुलाकात है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हो सकता है कि एक वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई इबारत लिखे, एक नई कहानी लिखे, इन दोनों देशों में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगाने को लेकर के तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल सोमवार को विदेश मंत्रालय से जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर आएंगे और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यूक्रेन में भारत के तमाम जो छात्र थे पिछले दिनों जब वहाँ एजुकेशन ले रहे थे, मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन जब लड़ाई वहां पर शुरू हो गई थी रूस से तो तमाम छात्र स्वदेश वापस आ गए थे, तमाम कारोबारी यूक्रेन में रहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।